अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल खुमार अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हरीम के अब्बू मुदस्सिर से कहते हैं, अगर फायज ने मेरी बेटी को डाइवोर्स दे दी तो क्या तुम उससे शादी करने के लिए रजामंद हो? ये बात सुनने के बाद मुदस्सिर हरीम के अब्बू से कहता है, अगर आपको और हरीम को इस रिश्ते से कोई भी एतराज नहीं है तो मैं भी रजामंद हूँ, क्योंकि मेरी माँ भी यही चाहती है कि हरीम उनके घर की बहू बने। ये मेरे लिए बाहैसियत फखर की बात होगी कि हरीम जैसी बंदी मेरा ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी जानिब आप देखेंगे फुरकान के कशा से कहता है, तुमने जो दिल चाहा वो किया, अब मजीद में तुम्हारी कोई भी मनमानी नहीं चलने दूंगा। कैसी औरत हो तुम, तुमसे अपने बेटे का दुख बर्दाश्त क्यों नहीं होता? न जाने तुमने अपनी अना का मसला बनाकर फायज की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें लाइबा की जिंदगी से नहीं खेलने दूंगा। वो जहां भी चाहेगी उसका रिश्ता वहीं करवाएंगे। जवाब में कहकशां कहती है, मेरे जीते जी हरीम और वकास से मेरे बच्चों का रिश्ता कभी भी मुंसलिक नहीं हो सकता, और अगर इन दोनों ने अपनी मनमानी करनी है तो ये मेरा मरा हुआ चेहरा देखेंगे। रेहान तो पहले ही बागी होकर किनारा कशी कर चुका है, अब मैं बिल्कुल भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि फायज और लाइबा भी मेरे साथ यही वाला रवैया अख्तियार करें। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगा करें।